नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भारतीय सीमा में फिर घुसे चीनी सैनिक, चॉकलेट से सुलझा विवाद। भारतीय सेना और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों के बीच गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश में उस समय झड़प हुई जब 276 चीनी सैनिक सीमा पर चार विभिन्न स्थानों से भारतीय क्षेत्र में घुस आए। हालांकि चीनी सेना के चार अधिकारी एक दुभाषी के साथ भारतीय सेना के कमांडिंग ऑफिसर से मिले और उन्हें दो पैकेट चॉकलेट देकर तनाव को कम किया। घटना के संबंध में एक आधिकारिक ब्यौरे के अनुसार यह घटना अरुणाचल प्रदेश के यांगत्से इलाके में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शंकर टिकरी में हुई और पीएलए का दावा है कि यह क्षेत्र चीन का है। इस क्षेत्र की सुरक्षा भारतीय सेना करती है। भारतीय सेना ने तुरंत कार्रवाई की और चीनी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अपने जवानों को भेजा। कांग्रेस महासचिव कमलनाथ का इस्तीफा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में कथित भूमिका संबंधी विवाद को लेकर आगामी चुनावी राज्य पंजाब में पार्टी प्रभारी के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा जिन्होंने उनका इस्तीफा तुरंत मंजूर किया। पंजाब और हरियाणा के तीन दिन पहले प्रभारी महासचिव बनाए गए कमलनाथ ने सोनिया को लिखे अपने पत्र में कहा कि मैं आग्रह करता हूं कि मुझे मेरे पद से मुक्त किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो कि पंजाब से असल मुद्दों से ध्यान नहीं भटके। पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने कहा कि वह पिछले कुछ दिन में नई दिल्ली में 1984 के दर्दनाक दंगों को लेकर पैदा गैर जरूरी विवाद से जुड़े घटनाक्रम से आहत हैं। ओबामा से बोले दलाई लामा नहीं मांग रहे तिब्बत की स्वतंत्रता। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आज व्हाइट हाउस में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा से मुलाकात की। इस अवसर पर दलाई लामा ने ओबामा से कहा कि वह चीन से तिब्बत की स्वतंत्रता नहीं मांग रहे और उम्मीद जताई कि चीन से वार्ता जल्द शुरू होगी। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने कहा कि दरअसल यह चौथा ऐसा मौका है जब राष्ट्रपति ओबामा ने अपने पिछले 8 साल के कार्यकाल में व्हाइट हाउस में दलाई लामा से मुलाकात की है। अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने नोबेल पुरस्कार विजेता दोनों नेताओं की मुलाकात को रेखांकित करते हुए कहा कि इस मुलाकात से तिब्बत पर अमेरिका के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है।